बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं अरशद अजीज आपका फिजिक्स टीचर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर ट्वेल्व को और टेस्ट नंबर ट्वेल्व बेस करेगा यूनिट नंबर सेवन के कॉन्सेप्ट पर जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एटी है व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी इट इज कॉल्ड हमने पढ़ा था स्ट्रेस की तीन काइंड्स होती हैं सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा था

बीटा ऑप्शन है वॉल्यूम स्ट्रेस चार्ली ऑप्शन है बल्क स्ट्रेस और डेल्टा ऑप्शन है टेंजाइल तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा और ये हमारे पास कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा टेंजाइल टेंजाइल करता क्या है लेंथ ऑफ द बॉडी को चेंज करता है नेक्स्ट हमारे पास है जी एटी सेवन क्वेश्चन लॉ एसेंशियली डिफाइंस द हुक्स लॉ किस चीज को डिफाइन कर रहा होगा हमारे पास ऑप्शन ए है, है स्ट्रेस ऑप्शन बी है स्ट्रेन ऑप्शन चार्ली है यूटीएस और ऑप्शन डेल्टा है इलास्टिक लिमिट यूटीएस का मतलब होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस देखें हुक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है विद इन द इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी तो इसका मतलब है विद इन द इलास्टिक लिमिट ये कीवर्ड है तो हुक्स लॉ एसेंशियली किसे डिफाइन कर रहा है इलास्टिक लिमिट को तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है अलास्टिक लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 88 यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज टू वाई इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू एल बाय फोर आपसे कहा गया जो लेंथ है वो रिड्यूस होकर एल बाय फोर हो गई एंड रेडियस टू आर बाय फोर और जो आर है वो रिड्यूस होकर आर बाय फोर हो गया देन द यंग मॉड्यूल विल बी आप सबको पता है यंग मॉडुलस सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है नंबर वन द नेचर ऑफ द मटीरियल पर नेचर ऑफ मटीरियल नंबर सेकेंड द टेम्परेचर अब देखे हमने लेंथ चेंज की रेडियस चेंज किया नेचर या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेट यंग मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा तो जो यंग मॉडुलस पहले था वही रहेगा पहले यंग मॉडुलस की वैल्यूज क्या थी टू यंग मॉडुलस की वैल्यूज क्या होगी टू करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा क्वेश्चन है वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज बाय 4 मिलीमीटर एज mm mm अब हम वर्क डन का फार्मूला लगाते हैं देखिए वर्क डन का हमारे पास फार्मूला क्या था फॉर्मूला लगाया में दे दे, y की 10 की पार 11 थी एरिया जो है वो हमारे सिक्स आ गया डेल्टा एल की जगह पर मैंने डेल्टा एल का स्केर भी लेना होगा साथ में तो फोर मिलीमीटर mm का स्केयर लेते हैं तो सिक्सटीन इंटू टेन एज की पार माइनस सिक्स हो जाएगा टू इंटू फोर अब हम इसे फर्दर ऑपरेट करते हैं देखें ये फोर की वैल्यूज फोर से कैंसिल हो गई 16 2 करते हैं तो ये कैंसिल होकर एट आ जाएगा एट इंटू एट क्या हो गया सिक्सटी फोर और ये टेन एस की पर प्लस अलेवन है ये माइनस सिक्स और माइनस सिक्स कितने हो गए माइनस ट्वेल्व तो बाकी कितने बचे माइनस वन और अगर मैं सिक्सटी फोर को टेन एस की पर माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर सिक्स पॉइंट फोर निकल आएगा अब हम अपनी ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अल्फा है नाइन पॉइंट थ्री जाउल ऑप्शन नंबर बीटा है सिक्स पॉइंट फोर जाउल

तो हमने डायमीटर की टर्म में ये लिख दिया तो ये फोर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि हमने इसे जी तो तो की वैल्यूज टेन लगाई पाए थ्री पॉइंट वन फोर है और डायमीटर का स्केयर ले लिया तो ये फोर इन टू टेन एस की पार माइनस फोर हो गया अब देखिएगा ये फोर से तो फोर कैंसिल हो गया मैं

एल्फा लेड कॉपर एंड ऑट आयरन आर डेक्टाइल तो हमारी बुक में जो डेक्टाइल की एग्जाम्पल दी गई उनमें ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं तो ये ऑप्शन तो ठीक हो गई ऑप्शन बीटा है ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील और ब्रिटल ये भी ठीक है क्योंकि ग्लास और हाई कार्बन स्टील ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं ऑप्शन चार्ली है डायमंड हैज ग्रेटर अलास्टिक कांस्टेंट देन कॉपर डायमंड में अलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है कॉपर से क्योंकि डायमंड कॉपर से ज्यादा रिजर्ड है ये ऑप्शन भी ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी जी ऑल ऑफ दीज तो डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन 92 क्वेश्चन है थ्री स्ट्रेस स्ट्रेन सट्रेस आर शोन हमारे पास तीन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाए गए हैं आपने ये बताना है कि जो कव एक्स होगी वाई होगी एंड जेड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी किस हमारे पास ऑप्शन को रिस्पेक्टिवली इस कव को एक्स बोला गया ये कव वाई है और ये कव जी है आपको नजर आ रहा है ये कव डेक्टाइल मटीरियल की होगी तो ये हमारे पास डेक्टाइल मटीरियल के लिए कव होगी ये कव आपको नजर आ रहा है कि लासेसिटी के फ्रैक्चर मिल रहा है तो ये हमारे पास ब्रिटल की होगी ये कव आपको बता रही है कि ये कव किसकी है ये कव पोलिमर्स की होगी पोलीमर्स मटीरियल में हम जिस साइड पर अप्लाइड फोर्स लगा रहे होते हैं रिगेन उसी पाथ के ऊपर वापस नहीं होता इसकी वजह इनर्जी स्टोर की वजह है तो डेट्सा ये हमारे पास इसके तीन पैरामीटर्स आ गए अब हम इसके अकॉर्डिंगली अपनी करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है देखिएगा हमारे पास ऑप्शन एल्फा है हाई कार्बन स्टील एक्स हाई कार्बन स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है तो गलत हुआ हाई कार्बन स्टील जो है वो ब्रिटल होगा तो ये तो ऑप्शन गलत हो गई बीटा ऑप्शन है कॉपर कॉपर तो एक्स कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है बिकॉज इट इज डेक्टाइल कर्व रबर को रिप्रेजेंटेशन दे रही है वाई कर्व रबर रबर पोलीमर है तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत हो गई चार्ली रॉट आयरन रॉट आयरन डेक्टाइल ही होता है तो डेट्स है हमारे पास चार्ली में पहली ऑप्शन तो ठीक बन रही है ग्लास वाई वाइक ग्लास ही को रिप्रेजेंटेशन दे रही है बिकॉज बिकॉज ग्लास ब्रिटल होता है है रबर रबर जेड ही को रिप्रेजेंटेशन दे रही है because यहां पर हमारे पास ये पोलिवर्स का ग्राफ बना हुआ है तो दिस मीन्स डेट इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी चार्ली 93 क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म मटीरियल इज किसी भी डिफॉर्म मटीरियल में एनर्जी स्टोर किस शक्ल में होती है

एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में और एनर्जी डिसिपेट करेगी हीट की शक्ल में तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 94 अ कॉपर एंड अ स्टील वायर ऑफ सेम डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड अ डिफॉर्मिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड टू दिस कॉम्पोजिट वायर विच कॉज अ टोटल एलोंगेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर द टू वायर्स विल हैव अब आपने बताना है इन दो वायर्स में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी ऑप्शन एल्फा है सेम स्ट्रेस ऑप्शन बीटा है डिफरेंट स्ट्रेस ऑप्शन चार्ली है डिफरेंट स्ट्रेन ऑप्शन डेल्टा है बोथ एंड सी देखिए हमारे पास एक कॉपर वायर है एक स्टील वायर है अगर कॉपर और स्टील वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो तो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ ओवर ए है और अगर आप इसे वर्टिकली हैंग करके ये कॉपर वायर लगाई लेट्स सपोज इसके साथ हमने आगे स्टील वायर लगा दी और अगर हम इसे डाउनवर्ड फोर्स से एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्स तो सेम होगी डायमीटर सेम था तो स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी बिकॉज ये दोनों सेम वैल्यूज में थे तो कॉपर और स्टील के लिए स्ट्रेस की वैल्यू सेम निकलेगी सट्रेन का फॉर्मूला होगा स्ट्रेस ओवर यंग्स स्ट्रेस तो सेम निकला क्या यंग मॉडुलस सेम होगा मटेरियल डिफरेंट थे तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगी तो इसका मतलब है स्ट्रेन यहां पर क्या निकलेगा डिफरेंट निकलेगा तो डेट्साइ इन दोनों की दोनों वायर में स्ट्रेस तो सेम होगा लेकिन स्ट्रेन क्या होगा डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है ऑप्शन एल्फा भी ठीक है ऑप्शन चार्ली भी ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 95. फाइव इफ वी कंप्रेस और द कंप्रेसोंगेट देयर पोटेंशियल एनर्जी देखें चाहे आप कंप्रेस करें चाहे एक्सटेंड करें तो आप कर क्या रहे होते हो एक्चुअली यहां पर प्लास्टिक पोटेंशियल इनर्जी स्टोर्ड ही होनी होती है

द स्टील वायर की वैल्यूज दी गई है 3 गुना करना था हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास y का फार्मूला होगा एफ एल ओवर एरिया इनटू डेल्टा l f की वैल्यूज निकल आएगी ये इधर जाकर फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा और l इधर आकर डिवाइड हो गया अब आप जस्ट अपने वैल्यूज लगानी है देखिए हमसे कहा क्या गया कि थ्री टाइम्स यहां पर हम इसकी कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला जो है इसकी रिप्लेसमेंट हम स्ट्रेन कह रहे हैं तो सटेन किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यूज कितनी आ गई एक्सटेंडेड लेंथ थ्री एल और ओरिजिनल लेंथ 3 है अगर लेट्स सपोज तो सटेन की वैल्यूज क्या आ जाएगी डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा एल की वैल्यूज आ रही है टू एल तो अगर मैं टू एल को एल से डिवाइड कर दूं तो आंसर टू निकलेगा तो याद रखिएगा हमारे पास फाइनल लेंथ जितने टाइम हो जाती है यहां पर डेल्टा एल ओवर एल की वैल्यूज क्या निकली टू तो आंसर क्या हुआ टू टूर फोर और फोर फाइव ट्वेंटी और ये टेन इसकी पार हमारे पास कितना बचा फाइव न्यूटन तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एग्जैक्ट ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई

देखिए हमसे कहा क्या गया कि हमारे पास जो फाइनल लेंथ है ना वो फाइव टाइम ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ हो गई अब मैंने अभी ये बात बोली जो आपके पास फाइनल लेंथ हो जाएगी उससे एक लेस कर दीजिएगा तो सटेन की वैल्यू जाएगी तो सटे कितना निकलेगा निकलेगाट इज कैसे निकला इज द डेल्टा एल ओवर एल दिस वन इज फाइव एल माइनस एल ओवर एल तो डेट इज फोर एल ओवर एल तो आंसर हमारे पास क्या निकल आएगा फोर तो करेक्ट ऑप्शन है एल्फा

हर साइड ऑफ अ क्यूब की तो अब आपको अगर इसका वॉल्यूम लेना होगा तो वो क्या होगा वन का क्यूब लेना होगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है उसकी लेंथ का क्यूब लेना होगा तो ये वन का हमारे पास क्यूब ले लेंगे इनिशियल लेंथ हमारे पास क्या थी टू मीटर तो मैं इसका टू का क्यूब ले लूंगा तो यही हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम लिखा जाएगा तो डेट से आंसर क्या हो जाएगा वन माइनस एट डिवाइडेड बाई एट तो डेट इज द माइनस सेवन बाई एट

तो इनमें से जो भी फॉर्मूला हमारे पास गिवन होगा वो करेक्ट माना जाएगा तो ऑप्शन पढ़ते हैं जी ऑप्शन एल्फा है एल ओवर एफ इंटू सेट्रेन ऑप्शन बीटा है एफ ओवर एरिया इंटू द एंगल एंड ऑप्शन डेल्टा है एरिया इंटू थीटा ओवर एफ तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन हो गई ऑप्शन चार्ली तो 99 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली क्वेश्चन नंबर 100 है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा

दैट इज एक्चुअली एक्सटेंशन अब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा तो ये आपके पास स्लोप बन रहा है स्लोप किसके बराबर होता है स्लोप बराबर होगा चेंज तो ये हमारे पास एक्सटेंशन है तो दिस मीन्स डेट ये f ओवर डेल्टा l की क्वान्टिटी स्लोप को रिप्रेजेंटेशन दे रही है और ये हमारे पास y a ओवर l के बराबर आएगा किसका y कम से कम होगा जिसका स्लोप कम से कम होगा स्लोप सबसे कम किसका है ए और बी में बी का बी का स्लोप कम है तो बी के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यूज भी कम निकलेगी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द रेशो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन टू ऑफ सेम लेंथ एंड मटीरियल बट विद रेडिया इन द रेश टू वेन बोथ आर अंडर सेम फोर्स तो अब हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करते हैं हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया एरिया की जगह आप आए आर स्केयर लिख सकते हैं तो आपको नजर आया स्ट्रेस और आर में रिलेशन है why, स्ट्रेस पहली कंडीशन में डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन द सेकंड केस डेट इज इक्वल टू द आपको आर स्केयर की इनवर्स रेशियो लेनी है तो आर टू तो ओवर आर वन और साथ में होल स्केयर भी लेना होगा आपको रेशो दी गई थी आर वन ओवर आर टू की डेट इज दी रेशो टू तो जब आर टू ओवर आर वन की रेशो लेंगे तो रेसी ले लेते हैं इज और इसका होल स्केल लेंगे तो आंसर फोर बाय नाइन निकल आएगा इसका मतलब है इन दो सिचुएशन में स्ट्रेस की रेशियो क्या होगी फोर रेशो नाइन तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशो ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किस चीज की रेशियो है आप सबको पता है जो कंप्रेसिबिलिटी है एक्चुअली रेसिप्रोकल 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 ऑफ़ ये ये होता है का. That, ये है का। दिस अगर तो हम इसे कह सकते हैं ये स्ट्रेन स्ट्रेस की रेशो है. कौन सा स्ट्रेन लिया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक कौन सा स्ट्रेस लिया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक तो डेट डेट इज द रेशियो ऑफ द द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस वक्त बन रही है चार्ल चार्ल ऑप्शन है हमारे पास जी वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक टू 104 क्वेश्चन है अ यंग मॉड्य कॉपर इज ट्वेल्व इंटू टेन एज की पार एलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर विल बी आपने सिंपल इंक्रीज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं एरिया की वैल्यूज लगा दी वन पॉइंट की पार -4. सेंटीमीटर से मीटर स्केयर में कन्वर्ट करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर डेल्टा एल किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास ये तो फोर से कैंसिल हो गया तो ये फोर आ गया ये 8 है 10 इस की पर 3 और यहाँ पर 10 इस की पर प्लस 8 बना था ऊपर जाकर माइनस -8 हो गया ये 1.2 से डिवाइड हो रहा होगा 48 और 32 32 को 1.2 से डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 26 निकलेगा और ये 10 इस की पर -5 मीटर हो गया अब अगर हम इसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे हम 26 और यहां पर अगर 10 इस की पर -6 मीटर लिखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां पर 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो ये आंसर ऑलमोस्ट किसके बराबर निकल आएगा 260 माइक्रोमीटर के तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी चार्ली चार्ली ऑप्शन को एक बार पढ़ देता हूं जी हमारे पास चार्ली ऑप्शन है 266 माइक्रोमीटर क्वेश्चन नंबर 105 है द एक्सटेंशन ऑफ अ वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ लोड इज 3 मिलीमीटर द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट 1/3 द रेडियस बाय द सेम लोड इज कुछ कंडीशंस दी गई हैं उसी कंडीशंस को अप्लाई करके अपना फार्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास डेल्टा एल जो है वो इस फार्मूला से वादे तौर पर नजर आ रहा है कि वो एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन में होगा अगर ये एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन में है और एरिया का आपको पता है वो पाए आर स्केयर होता है तो इसका मतलब है डेल्टा एल जो है वो आर स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन में है दिस मीन्स डेट डेल्टा एल टू ओवर डेल्टा एल वन आर वन ओवर आर टू होल स्केयर के साथ आ जाएगा r2 r/3 कर दिया था 1/3 कर दिया था तो डेट है अब r से तो r कट गया ये हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 तो ये 9/1 हो जाएगा दिस मींस दैट डेल्टा l2 किसके बराबर आ जाएगा 9 और ये डेल्टा l1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा l1 की वैल्यू 3 मिलीमीटर mm दी गई थी तो 9 3 27 मिलीमीटर mm हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी एंड दैट इज द अल्फा ऑप्शन

तो ये 2l/5 निकलेगी तो ये तरीके तरीकेकार है आपको स्मॉलर या लार्जर लेंथ लेने के लिए जो रेशियो दी गई होगी उसे ऐड कीजिएगा उतने पार्ट्स बनाने के बाद आप उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं अब देखिएगा हमारे पास डेल्टा l का फार्मूला क्या है fl ओवर y into a तो डेल्टा ls ओवर डेल्टा इनिशियल हमारे पास जो एक्सटेंशन थी उसकी रेशियो क्या निकलेगी ls s स्टैंड फॉर स्मॉलर तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी पता है उसमें आप वैल्यूज लगा दें एफ सेम था वाई सेम था एरिया सेम था लेंथ में चेंज आया तो वो हमने कैलकुलेट कर ली टू एल बाय फाइव होगी ये एफ एल ओवर वाई इंटू ए हो जाएगा ये सारे एक्सप्रेशन एक दूसरे से कट जाएंगे पीछे टू बाई फाइव बचेगा तो डेल्टा एल एस किसके बराबर आ जाएगा ये डेल्टा एल इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन एल्फा इज नॉट टेकन एज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वन जीरो सेवन द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ वायर इज

एक्सटेंशन कितनी मिल रही है? 5 मिलीमीटर mm, 5 into 10 इसकी पर minus 3 हो गई। ये 5 डिवाइडेड by 2 क्या हो जाएगा? 2.5 और ये 10 इसकी पर plus 4 minus 3 कितने हो गए? 10 इसकी पर plus 1 जाल। आंसर हमने किलो जाल में देना है। तो ये 2.55 यहाँ पर हमें किलो जाल चाहिए। तो इसका मतलब है हमें 10 की पर plus 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये plus 1 ऑलरेडी मौजूद था। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इक्वेशन को की माइनस टू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये तो किलो किलोजाउल हो गया और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो यह पॉइंट करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली वन जीरोसफुल्ड बाय ऑप्शन एल्फा है बोहर्स मॉडल ऑप्शन बीटा है रदरफोर्ड मॉडल ऑप्शन चार्ली है क्लासिकल थ्योरी और ऑप्शन डेल्टा है इनर्जी बैंड थ्योरी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड तो सक्सेसफुली किससे एक्सप्लेन हुआ था बैंड थ्योरी से तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई डेल्टा 109 क्वेश्चन है विच वन इज नॉट सिमिलरिटी बिटवीन द कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर कुछ ऐसा इन चार ऑप्शन में से है जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स के दरमियान सिमिलर नहीं है पहली ऑप्शन देखिएगा बोथ हैव पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमी कंडक्टर का कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है तो ये तो सिमिलर ही हुआ बोथ हैसली रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम सेमी कंडक्टर का बिहेवियर देखें तो वेलेंस बैंड भी पार्शली फील्ड ही होगा तो ये भी ठीक हो गया बोथ कैन कंडक्ट करंट दोनों के दोनों करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं नो डाउट मैग्नीट्यूड में फर्क है लेकिन कंडक्ट करवा सकते हैं तो डेट साइ ये भी सिमिलर हो गया बोथ बी कम्स इंसुलेटेड एट जीरो

ये एग्री नहीं कर रहा था बोथ कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर पर तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा मानी जाएगी क्वेश्चन नंबर है द यंग ऑफ अ गिवन मटेरियल ऑप्शन अल्फा है इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑप्शन बीटा है इज डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशन ऑफ द मटीरियल ऑप्शन चार्ली है इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस हमें अच्छी तरह से पता है यंग मॉडुलस फोर्स लेंथ एक्सटेंशन एरिया डायमीटर थिकनेस किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा होता यंग मॉड्य सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पर और सेकंड वन जो है वो टेम्परेचर ऑफ द वायर पर तो इस वक्त हमारे पास डी ऑप्शन पढ़ते हैं डेल्टा ऑप्शन है डेट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटीरियल कंसर्न तो सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है यंग मॉडुलस की तो डेट्स अ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मानी जाएगी डेल्टा

तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हम बार बार पढ़ा है कि ये जो प्लास्टिक रीजन है ये हमारे पास पॉइंट बी जिसे हमने अल्लास्टिक लिमिट बोला था या यील्ड स्ट्रेस बोला था वहां से स्टार्ट होता है इसका मतलब हुआ ये एफ ओवर ए की टर्म हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी डेट इज स्ट्रेस या अलॉस्टिक लिमिट हम इसे यील्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं और इसके अलावा हम इसे अल्लास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी चार दी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वन ट्वेल्व लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्टील वायर विच स्नैप सडनली वट विल है वायर टेम्परेचर स्नैप हमारे पास स्नैप का मतलब ब्रेक कर गई अगर यहां पर ब्रेक करेगी तो ऑटोमेटिकली यहां कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और कंप्रेशन की वजह से हमेशा टेम्परेचर राइज करता है तो इसका मतलब है अगर ये सडनली स्नैप कर जाए तो यहां पर टेम्परेचर क्या कर जाएगा राइज कर जाएगा तो टेम्परेचर राइज तो तो के अकॉर्डिंगली हम अपनी ऑप्शन को देखते हैं पहली ऑप्शन है डज नॉट चेंज बीटा ऑप्शन है टेम्परेचर ड्रॉप चार्ली ऑप्शन है टेम्परेचर राइजेस डेल्टा ऑप्शन है टेम्परेचर ड्रॉप एंड राइजेस तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई टेम्परेचर राइजेस क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली वन वन थ्री क्वेश्चन है अ वायर डिफॉर्म एज शोन वेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स वट इज द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग द वायर बाय सिक्स मिलीमीटर हमारे पास एक्सटेंशन और लोड के दरमियान एक ग्राफ बनाया गया है हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें इसी तरह से पता है एक्सटेंशन लोड ग्राफ का जो एरिया होगा वही वर्क डन होता है लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि लोड जो है वो कहां पर लिया गया है एक्स एक्सिस पर और एक्सटेंशन किस साइड पर ली गई है डेट इज द वाई एक्सिस हमने यहां पर जो एरिया लेना होता है वो एक्सटेंशन एक्सिस का लेना होता है तो डेट्स वाई एक्चुअली हमें अब एरिया ये वाला लेना है इस एरिया के अकॉर्डिंगली अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपके पास यहां पर तीन फिगर्स बनती हुई नजर आएंगी नंबर वन डेट इज राइट एंगल ट्राइ अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूं तो नंबर सेकंड पर ये रिक्टेंगल बन रही है और नंबर थर्ड पर आपके पास क्या बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो आपको इन तीनों के लैदा लैदा एरिया लेना होंगे सबको जमा करना होगा और फिर हमारे पास आंसर निकल आएगा तो पहले हमारे पास रीजन का एरिया किसके बराबर आएगा डेट इज अफ साथ में हम इसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिएगा ये आपके पास इसकी हाइट है डेट इज़ द टू और ये इसकी बेस है दिस वन इज द दिक्स यहाँ पर टू के साथ मिलीमीटर mm भी लगेगा और ये हमारे पास सिक्स आ गया टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये सिक्स इंटू टेन है इसकी पार माइनस थ्री जाउल निकल आया एरिया नंबर टू लेते हैं तो हम आपके पास सेकंड फिगर जो आपको नजर आ रही है ये एक रिक्टेंगल की शक्ल बनी हुई है इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू विर्थ लेंथ किसके बराबर है ये इसकी लेंथ है टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई ले लेते हैं कलर है एरिया नंबर थ्री लेते हैं तो ये थर्ड फिगर तो 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 बनी हुई है ये राइट एंगल ट्राइ एंगल है डेट इज दाफ बेस ये आपके पास बेस है डेट इज 80 माइनस सिक्सटी अब इसकी हाइट ले लेते हैं तो दैट इज द 4 into 10^ की पार, minus -3 बिकॉज़ ये 6 minus 2 करना था ना ये हाइट के लिए और साथ में मिलीमीटर भी है तो दैट्स व्हाई हमारे पास आप आंसर क्या निकल आया ये इससे कट जाएगा 2 से 80 minus 60 20 होगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 into 10^ की पार, minus -3 जूल हो जाएगा दिस मींस दैट हमारे पास यहां पर आंसर क्या निकला था The, ये सॉरी सिक्सटी था तो ये सिक्सटी इंटू टेन एस की पार माइनस थ्री जाउल था ये सिक्सटी है ये टू फोर्टी है ये फोर्टी है तो ये टोटल आंसर कितना निकल आया ये हमारे पास आया 60 40 कितने हो गए थ्री फोर्टी इंटू टेन एजाराइनस थ्री जाउल हो जाएगा तो ये थ्री फोर्टी मिली जाउल भी लिखा जा सकता है इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ऑप्शन को देखते हैं पॉइंट वन जीरो जाऊल पॉइंट थ्री फोर जाऊल

देखिए हमसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल इलास्टिक लिमिट तो हम हुक्स लॉ को इलास्टिक लिमिट तक एप्लीकेबल मानते हैं तो एडियाबेटिक तो है. तो का जो हमारे पास इलास्टिक कॉन्स्टेंट होता है ना एडियाबैट का वो हम क्या लिखते हैं डेट इज द गैमा पी जबकि इलास्टिक कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल जो हम लिखते हैं वो सिंपल पी है तो ये तो आपस में बराबर नहीं होते है. चालदी ऑप्शन थी यंग मॉडुलस इज डायमेंशन लेस तो यंग मॉडुलस डायमेंशन लेस नहीं होता डेल्टा ऑप्शन थी थीटीप्लाई बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड तो ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है अगर हम स्ट्रेस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड करें तो ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम तो हो सकता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन एनर्जी स्टोर्ड नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी एल्फा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ़ ऑफ़ टू वायर्स सेम थिकनेस एंड थिकनेस भी रेशो ऑफ इन द वायर विल बी अब वायर में जो स्ट्रेन की रेशो होगी वो क्या होगी स्ट्रेन होता है जी सिग्मा ओवर के सिग्मा को एफ ओवर ए लिखा जाएगा ये सारी की सारी चीजें सेम है अगर ये सारी चीजें सेम है तो अब स्ट्रेन की रेशो क्या निकलेगी वन रेशो वन क्योंकि इनसे कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हो रहा जब इनमें से कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा तो स्ट्रेन भी चेंज नहीं होगा तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एल्फा ये था जी आज का टेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज